नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध फॉर्चून मॉल में बेसमेंट एरिया में एक नवयुवक की लाश मिलने से सीतामढ़ी परिसर में खलबली मच गई। यह घटना कल शाम को सामने आई है। अभिषेक बघेल ऐसा मृतक का नाम बताया जा रहा है और अभिषेक के पापा शहर पुलिस में कार्यरत है। अभिषेक पिछले दो दिनों से घर से लापता था और अचानक अभिषेक की लाश मिलने से घर परिवार वाले जैसे सदमे में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या दुर्घटना। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि अभिषेक वैशाली नगर में मोबाइल शॉप भी चलाता था। बुधवार को अभिषेक अपने बाइक से घर से निकला और घर पर यह बताया कि किसी को मिलने जा रहा है। इसके बाद अभिषेक के मोबाइल से उसके पापा को फोन आया और बताया गया कि फुटाला परिसर में अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जाने पर पता चला कि वहां ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। पश्चात वाटोड़ा पुलिस स्टेशन में घटना की जानकारी दी गई और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि अभिषेक के ऊपर कर्जे का तनाव था और उसकी संगत भी सही नहीं थी, इसके चलते कुछ हुआ होगा ऐसी आशंका जताई जा रही है। मृतक आए तो क्या बाबतीत वाठोड़ा पुलिस स्टेशन ये थे। काल त्यांची आई ने एक मिसिंग रिपोर्ट दिली होती, त्याबाबत त्यांचा शोध सुरू होता आणि जे डिस्क्रिप्शन त्यांनी दिला होता त्याप्रमाणे आज जेव्हा इथून फॉर्च्यून मॉलकडून माहिती आली की त्याप्रमाणे एक मुलगा आणि त्या सेम डिस्क्रिप्शन जी जे बाईक आहे ते इथे दिसून येत आहे। तर या इथे येऊन सहानिशा केली तर जे मिसिंग मध्ये मुलगा होता आणि बाईक होती तेच आहेत। बाकी पुढील याबाबत जे आहेत आमच्या पोलिसांचा तपास सुरू आहे।